क्या कर रहा था एंटी गठबंधन, लोग तो वही थे, एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। इतना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था, अन्यथा यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था एंटी गठबंधन, लोग तो वही थे। 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को यह सम्मान दे सकते थे लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार करते हैं। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है, ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए थे। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से, जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए थे लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान जी ने नामांकन किया तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर के आता हूं क्योंकि यहां पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं, कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वह समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं, यद्यपि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, वे उनके पास बाकी काम ही किया दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहां के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे।
देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना जाता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो ना केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था, लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया, अयोध्या में राम का नाम नहीं सुना। रंगदारी वसूली करता था लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं।